नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला। दोस्तों, इस कहानी में लेखक ने बताया है कि बचपन में बच्चे को जहां से अपनापन और प्यार मिलता है वह बच्चा वहीं रहना चाहता है। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी माँ से मिलता था और इसलिए वह इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। यह कहानी टोपी के इर्द गिर्द ही घूमती है क्योंकि वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर है, उसका परिवार काफी संस्कारवादी है। टोपी का एक दोस्त है जिसका नाम इफ्फन है। टोपी और इफ्फन दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। दरअसल इस कहानी के दो पात्र हैं, टोपी और इफ्फन। टोपी का वास्तविक नाम बालभद्र नारायण शुक्ला था और इफ्फन का वास्तविक नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा था। इफ्फन के दादा परदादा मौलवी थे। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहे थे, लेकिन उनके शव को करबेला ले जाकर दफनाया गया था। इफ्फन के पिताजी उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे। इफ्फन की दादी एक जमींदार परिवार की थी और उनका ससुराल लखनऊ में था, जहां पर गाना बजाना बुरा समझा जाता था। इफ्फन के पिता की शादी के समय इफ्फन की दादी के मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा थी, लेकिन इफ्फन के दादा के डर से वह गा नहीं पाई। उन्हें इफ्फन के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे हमेशा मौलवी बने रहते थे। इफ्फन की दादी का देहांत होने वाला था तो उन्हें अपनी माँ का घर याद आने लगा। इफ्फन उस समय स्कूल गया हुआ था, उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह इफ्फन को रात के समय कहानियां सुनाया करती थी। दादी पूर्बिया भाषा बोलती थी जो कि इफ्फन को अच्छी लगती थी। टोपी को भी इफ्फन की दादी की भाषा अच्छी लगती थी। टोपी को इफ्फन की दादी अपनी माँ जैसी लगती थी। टोपी को अपनी दादी से नफरत था। वह इफ्फन के घर जाकर उसकी दादी से बात करता था। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया तो उसी क्षण उसकी माँ से ज्यादा उसकी दादी भड़क गई। फिर उसकी माँ ने उसकी बहुत पिटाई की। उसके भाई मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया कि टोपी ने कबाब खाए हैं, जबकि कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे। सबने मुन्नी बाबू की बात को झूठ समझ लिया और अब टोपी के पास अपनी सफाई देने का कोई रास्ता नहीं था। जब अगले दिन टोपी स्कूल गया तो उसने इफ्फन को सारी घटना के बारे में बताया। भूगोल विषय के चौथे पीरियड में टोपी और इफ्फन दोनों स्कूल से भाग गए। उन दोनों ने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी अपने दोस्त इफ्फन से कहता है कि क्यों ना वह अपनी दादी बदल दे। इफ्फन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी दादी उसके पिताजी की माँ भी है। फिर इफ्फन ने टोपी को दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इफ्फन की दादी मर गई है। जब शाम को टोपी अपने दोस्त इफ्फन के घर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने इफ्फन से कहा कि तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो सब ठीक भया होता। जल्द ही इफ्फन के पिता का तबादला हो गया। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो। इफ्फन के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। उस शहर के कलेक्टर हरिनाम सिंह थे, उनके तीन लड़के थे। तीनों लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त बन नहीं सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उन तीनों में से किसी ने भी टोपी को अपने पास भटकने नहीं दिया। माली और चपरासी टोपी को जानता था, इसलिए वह बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तभी टोपी का उनके साथ झगड़ा हो गया। डब्बू ने अल्शेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। जब टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी तो उसे होश आया, फिर कभी भी कलेक्टर के बंगले की तरफ नहीं गया। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की नौकरानी जिसका नाम था सीता, उसी के साथ टोपी ने अपना अकेलापन दूर किया। सीता उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसका दुख समझती थी। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा हुआ कोट मिला। उसने इस कोट को लेने से इनकार कर दिया।
उसकी इस हरकत पर उसकी दादी गुस्सा हो गई और उन्होंने टोपी को बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दे दिया। टोपी 9वीं क्लास में 2 बार फेल हो गया, जिस कारण उसे घर में और भी अधिक डांट पड़ने लगी। जिस समय वह पढ़ने बैठता था, उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाना होता था और स्कूल में भी उसके अध्यापकों ने उसे सहयोग नहीं दिया। अध्यापकों ने उसकी 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर भी उसे नजरअंदाज कर दिया था। अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता था। उसे परीक्षा में पास होने के लिए कोई भी प्रेरित नहीं करता था। घर और स्कूल में किसी ने भी उसे अपनापन नहीं दिखाया। फिर अपने स्वयं ही मेहनत की और 9वीं पास कर ली। उसके 9वीं पास करने पर उसकी दादी ने कहा कि रफ्तार अच्छी है, तीसरे साल में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली एक नई कहानी को आप सबसे पहले देख सकें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।